7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जिस जंग का बिगुल फूंका था वो अभी तक थमी नहीं है, बल्कि अब इस जंग में समूचा गाजा खंडहर और कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। गाजा के हर गली कूचे पर हमास के लड़ाके गिद्ध बनकर आईडीएफ का शिकार करने के लिए घात लगाए बैठे हैं। हालांकि हमास के लड़ाके गाजा में अभी तक सैकड़ों इजरायली सैनिकों का शिकार कर चुके हैं। गाजा से हर रोज एक नया वीडियो सामने आ रहा है जो इस बात की तस्दीक करता है कि हमास किस कदर आईडीएफ के ऊपर हावी होता जा रहा है। जी हां, अब उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप में हमास ने आईडीएफ के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है और ये हमला हमास की सैन्य शाखा अलकासिम ब्रिगेड ने किया। अलकासिम ब्रिगेड ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे खंडहर पड़ी दो इमारतों के बीच एक आईडीएफ का मेरकावा टैंक ढलान से नीचे की तरफ आ रहा है और इसी दौरान हमास के लड़ाके इस टैंक पर घात लगाकर एक रॉकेट फायर कर देते हैं जिसमें जोरदार ब्लास्ट होता है। इसके बाद हमास का एक लड़ाका इसी टैंक पर एक और रॉकेट फायर करता है। और इसके बाद वीडियो में एक और टैंक दूर से आता हुआ नजर आता है और जैसे ही ये टैंक हमास के रडार पर आता है वैसे ही अलकासिम का लड़ाका इस टैंक पर एक रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देता है जिसमें भी जोरदार ब्लास्ट होता है। और इस हमले के बाद अलकासिम के लड़ाके नेटजरीम एक्सिस में आईडीएफ को घेर लेते हैं। यहां पर अलकासिम आईडीएफ के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर रजूम मिसाइलें फायर करता है। अलकासिम ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें हरियाली के बीच रजूम मिसाइलों का एक पूरा साल्वो तैनात होता है जिसे हमास का एक लड़ाका रिमोट कंट्रोल के जरिए फायर कर देता है और इसके बाद ये मिसाइलें एक के बाद एक फायर होने लगती हैं। आपको बता दें कि नेटजरीम एक्सिस में जब ये हमला हो रहा था तो उसी वक्त जवालिया रिफ्यूजी कैंप में अलकासिम ब्रिगेड की आईडीएफ के साथ तगड़ी भिड़ंत हुई। अलकासिम ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दिख रहा है कि हमास के कुछ लड़ाके एक पेपर पर आईडीएफ के रूट का नक्शा बना रहे हैं और इसके बाद अलकासिम के कई लड़ाके रॉकेट लॉन्चर उठाकर आईडीएफ पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद एक लड़ाका घर की दीवार तोड़कर सामने खड़े एक वाहन के नीचे बारूद बिछा देता है और इसके बाद एक दूसरा लड़ाका रॉकेट कंधे पर रखकर दूर खड़े आईडीएफ के टैंक पर उसे फायर कर देता है और इस हमले में टैंक में जोरदार ब्लास्ट होता है। और इसके बाद हमास के दो लड़ाके घर के भीतर फिर से रॉकेट तैयार करने लगते हैं और इसके बाद रात के अंधेरे में एक लड़ाका ताबड़तोड़ तरीके से आईडीएफ के ऊपर बमबारी कर देता है। इस दौरान अलकासिम के लड़ाके जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और इस हमले के बाद हमास के लड़ाके बाकायदा आईडीएफ के जले हुए वाहन का मुआयना करने जाते हैं जिसमें नीली टी शर्ट पहने हमास का एक लड़ाका आईडीएफ के वाहन पर चढ़ा दिख रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इस वीडियो में आईडीएफ के वाहन के परखच्चे उड़े नजर आ रहे हैं।